गाइस, दिस इज उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज. सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस. सलमान खान क्यों रहने वाले हैं आईफा से मिसिंग? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज रिवील करेगा इसकी सबसे बड़ी वजह. आईफा की अवार्ड नाइट के लिए टोरंटो में लगा स्टार्स का मेला, डबल धमाल का हुआ प्रीमियर. आइटम बॉय बने बिग बी ने आइटम बॉय होने का दावा करने वाले बाकी स्टार्स को दिया करारा जवाब. रणवीर ने आईफा में फिर दिखाई अपने बैंड बाजा बारात वाली दिल्ली के चुलबुल लड़के की इमेज. एंड बताएंगे आपको एक्सक्लूसिवली कि सिंघम के बाजीराव अजय देवगन क्यों गा रहे हैं चुलबुल सलमान के गुण. पिछली बार आईफा को ग्रैंड इवेंट बनाने वाले सलमान ने इस बार रखी है इस अवार्ड नाइट से दूरी, क्योंकि आईफा में उनकी जगह लेने जा रहे शाहरुख खान ने चली है एक चाल. बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान आईफा के लिए रवाना हो चुके हैं. आईफा के ऑर्गेनाइजर्स ने ऐलान भी कर दिया है कि सलमान खान इस बार आईफा टोरंटो नहीं जा रहे हैं. शाहरुख खान अपने घुटने के दर्द के बाद भी आईफा के लिए रवाना हो चुके हैं और बादशाह खान ने टोरंटो जाने से पहले ही अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है. गॉसिप बाजार में खबर गर्म है कि शाहरुख ने इस बार सलमान को आईफा से दूर रखने के लिए ऐसी चाल चली है जिससे सलमान का पूरा एटीट्यूड ढेर हो गया है. शाहरुख इस बार आईफा में परफॉर्म करेंगे और आईफा को होस्ट भी करेंगे और शाहरुख ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके साथ मेन पार्टी वाले दिन फंक्शन को विवेक ओबेरॉय भी होस्ट करेंगे. इस फंक्शन में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी हिस्सा लेंगे और जिस शो को सलमान के दो दो दुश्मन होस्ट करें उससे सलमान ने दूरी बना लेना ही सही समझा है. पिछली बार आईफा में सिर्फ सलमान के कैंप का ही जलवा नजर आया था, तो इस बार शाहरुख के कैंप ने आईफा में धूम मचाने की तैयारी कर ली है. विवेक ओबेरॉय इसके लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ टोरंटो की फ्लाइट पकड़ चुके हैं और आईफा वो ढेर सारी उम्मीदें पालकर भी जा रहे हैं. आईफा एक बहुत अच्छा उत्सव है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक सेलिब्रेशन है, हमारी फ्रेटर्निटी का, और उसे हमेशा सपोर्ट करता हूँ. एज अ परिवार ओबेरॉय परिवार हमेशा सपोर्ट करता है और इस साल भी सपोर्ट कर रहा है. तो टोरंटो में हर बार की तरह इस बार भी कैंप्स का जलवा होने वाला है और शाहरुख विवेक को पिछली बार का उनका वो ड्यू दिलवाने के लिए कमिटेड लग रहे हैं जो पिछली बार आईफा में सलमान की वजह से उन्हें नहीं मिल पाया था. और इसी बहाने शाहरुख ने ये भी साबित कर दिया कि उनको ओवरसीज का किंग यूं ही नहीं कहा जाता, वो इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी किंग की तरह डील भी कर सकते हैं और सलमान को इस बार उन्होंने आईफा से दूर करवा ही दिया है. जबकि सलमान को इस बार आईफा में अपनी फिल्म चिल्लर पार्टी को प्रमोट करना था, लेकिन इस बार वो बाहर अपनी फिल्म को आईफा के थ्रू प्रमोट नहीं कर पाएंगे. अब सलमान शाहरुख की इस चाल का क्या तोड़ निकालेंगे ये भी आपको इस इंडियंस नंबर वन बॉलीवुड चैनल पर जरूर बताएंगे. आईफा की शुरुआत हो गई है और टोरंटो में आईफा की इस महफिल की शुरुआत में ही हुआ डबल धमाल का प्रीमियर. आईफा में सबसे पहले ग्रीन कार्पेट बिछा डबल धमाल के प्रीमियर के लिए. डबल धमाल की स्टार कास्ट में सबसे ज्यादा धमाकेदार एंट्री मारी जलेबी बाई यानी मल्लिका शेरावत ने, लेकिन अपनी फिल्म के किसी स्टार के साथ नहीं बल्कि अपनी आने वाली फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव के अपने को स्टार के साथ. मल्लिका को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ घूमने का ऐसा चस्का लगा है कि वो बॉलीवुड के स्टार्स को लगता है अब कुछ समझती ही नहीं. लेकिन कनाडा में अपने फैंस से मिलने के लिए डबल धमाल की बाकी टीम बड़ी एक्साइटेड नजर आई. रितेश देशमुख सज धज कर ग्रीन कार्पेट पर आए. बहुत अच्छा लग रहा है कि आज टोरंटो में इसका प्रीमियर हो रहा है, वर्ल्ड प्रीमियर, और आईफा में के वर्ल्ड प्रीमियर मेरी पहली फिल्म है जो यहाँ प्रीमियर हो रही है. इट फील्स ग्रेट. रितेश की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए उनकी खास दोस्त जेनेलिया भी ग्रीन कार्पेट पर चली. तो अर्शद वारसी ने भी बताया कि उनकी लाइफ में किसने मचाया हुआ है डबल धमाल. I think my kids, they have a blast. They just went to America for 1.5 month holiday. I work hard, they have a blast.
अनिल कपूर भी डबल धमाल की टीम को चेयरअप करने के लिए आए, तो कुछ इस तरह टोरंटो में स्टार्स ने डबल धमाल के प्रीमियर को बना डाला रॉकिंग। आईफा बेबी रणवीर सिंह अपनी चुलबुली हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टोरंटो की लड़कियों को देखकर बुरा हो गया रणवीर का हाल। टोरंटो पहुंचकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आए रणवीर सिंह। रणवीर जैसे ही अपने होटल में पहुंचे, कनाडा के उनके फैंस रणवीर की एक झलक पाने के लिए तैयार खड़े थे। रणवीर वहां पहुंचते ही कनाडा की कुड़ियों पर जा गिरे। फिर वहां बज रहे म्यूजिक पर रणवीर ने ऐसे डांस किया जैसे बज रहा हो बैंड बाजा, और नजारा किसी बारात से कम भी तो नहीं था। बिल्कुल सरप्राइज कर दिया हम लोगों ने मुझे। मैं एंट्री की और टीम म्यूजिक बजने लगा, बैंड बाजा बजाने का एमवी अभी, इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज, और लोग मेरे गाने पे नाच रहे हैं और मैं उनके साथ नहीं नाचूंगा, कैसे हो सकता है। तो टोरंटो पहुंचते ही रणवीर सिंह ने कनाडा की कुड़ियों पर कूद कर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो यहाँ फुल मस्ती के मूड में आए हैं और उन्हें करना है जमकर धमाल। आईफा की शुरुआत हुई फॉर्मल अनाउंसमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसे एड्रेस किया बिपाशा बासु ने, और इस इवेंट के बाद जूम से की एक्सक्लूसिव बात। टोरंटो में आईफा स्टार्ट हो चुका है। टोरंटो पहुंचकर बॉलीवुड स्टार्स बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिपाशा बसु ने रितेश और बमन ईरानी के साथ मिलकर आईफा अवार्ड्स के इनॉग्रेशन का ऐलान भी कर दिया। खासकर बिपाशा बसु आईफा में जाकर काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि आईफा में उन्हें इंडिया के बाहर अपने फैंस से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। Time, you know, last 6 days have been great. यहाँ का जो culture है, it's a mixed culture, and the kind of people you meet every day, it's been fun. और बहुत सारी family audiences मिलती हैं, like the whole families have been very encouraging and loving, and yeah, that's been exciting. आईफा के events में stars जमकर हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन खबर आम है कि इस बार आईफा ने Bollywood के उन stars के welcome के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं, जो Bollywood में अक्सर losers माने जाते हैं। आमिर के बाद अब अमिताभ भी आइटम बॉय बनकर ऑडियंसेस के सामने आ गए हैं, और इस एंग्री यंग मैन का एग्रेशन देखकर तो यही लग रहा है कि अमिताभ कर देंगे सबकी छुट्टी। भूल जाइए सलमान का ये गाना। बेस्ट आइटम बॉय के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा तो जरूर लूंगा मैं। और भूल जाइए आमिर का नया आइटम बॉय अवतार। क्योंकि आ गया है सारे आइटम बॉयज का बाप। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, नाम है शहंशाह। क्या अब भी समझ नहीं आया आपको कि अमिताभ बच्चन क्या ऐलान कर रहे हैं? बिग बी खुद को बता रहे हैं आइटम बॉय। जी ये कहना कुछ ज्यादा तो नहीं होगा कि अब आपको न्यू आई, यू आर द न्यू आइटम बॉय ऑन द ब्लॉग। हाँ बोल दीजिए, प्लीज बोल दीजिए। बड़े सालों से मैं उत्सुक था कि कोई तो बोले यार कि मैं एक आइटम बॉय हो गया हूँ। देख लीजिए क्या दावा कर रहे हैं बिग बी। बिग बी ने अपने इस गाने को आइटम नंबर नहीं कहा, पर ये ऐलान जरूर कर दिया कि वो तैयार हैं आइटम बॉय कहलाने के लिए। और अब इत्तेफाक देखिए कि जब एक तरफ बिग बी खुद को आइटम बॉय कहने की गुजारिश कर रहे थे। हाँ बोल दीजिए, प्लीज बोल दीजिए। बड़े सालों से मैं उत्सुक था कि कोई तो बोले यार कि मैं एक आइटम बॉय हो गया हूँ। तो अमित जी से पहले आमिर ने भी अपनी आने वाली फिल्म डेनी बेनी का एक गाना लॉन्च करते हुए खुद को बता दिया आइटम बॉय। आइटम गर्ल्स को हम लोग बड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो आइटम गर्ल्स को भी हटना पड़ेगा, आइटम बॉयज का टाइम आ गया। और तो और अवार्ड से दूर रहने वाले आमिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें अगर बेस्ट आइटम बॉय का अवार्ड मिलेगा तो वो उसे लेने के लिए अवार्ड नाइट्स जरूर अटेंड करेंगे। बेस्ट आइटम बॉय के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा तो जरूर लूंगा मैं। और इसी इवेंट में जब आमिर को बताई गई उनकी फिल्म के सॉन्ग डी के बोस में गाली जैसी सुनाई देने वाली लिरिक्स को लेकर बिग बी की नाराजगी, तो आमिर ने इस बात को भी मजाक बना दिया। अभी देखिए ऐसा है कि जब आपका कोई सीनियर आपको टोकता है और आपकी गलती पे आपका कान मरोड़ के आपको सही बात समझाता है, तो उसके बाद आप एक ही चीज कर सकते हैं, क्या बात बात डीके बोस डीके बोस डीके बोस बात बात डीके बोस डीके बोस आंधी आई आंधी आई बात बात डीके बोस डीके बोस। तो मैं भाग रहा हूँ, टोटली भाग रहा हूँ मैं।
डर के मारे। आमिर का ये इवेंट बुढ़ा होगा तेरा बाप के इस इवेंट से पहले हुआ था और लगता है आमिर की ये बात बिग बी भी सुन चुके थे और शायद आमिर की ये शैतानी कुछ खास नहीं पसंद आई बिग बी को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तभी तो उन्होंने अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए आमिर से नहीं बल्कि शाहरुख खान से बेबी सिटिंग की टिप्स लेने की बात कह डाली। शाहरुख हैज ऑन ट्विटर टोल्ड अभिषेक दैट यू नो इफ यू वांट एनी टिप्स ऑन बेबी केयर ही विल volunteer, we'll definitely take up his tips. And do you want to say something about that? Abhishek, you want to add? Yeah, if you all have tips, I'll start noting them down. You can tweet me and I'll be more than happy. You know, it's a learning experience. Aap shaadi shuda hai ki nahi, bhai sahab? Yeah. I don't think so. I am. Okay. Bacche? Nahi. Nahi hai. Saath mein aayega, hum log tips saath milenge. Haan, maybe we can give you some tips then afterwards. Sure, also, sure. Baad mein. सलमान खान, Zoom, मुंबई। ये तो सभी जानते हैं कि अजय देवगन टॉप थ्री खान्स में सलमान से हैं सबसे करीब, लेकिन इन दिनों सिंघम के दमदार किरदार वाले अजय क्यों गा रहे हैं सलमान खान के गुण, बताएगी हमारी ये स्टोरी। टोरंटो में चल रहे आईफा में सलमान की बैंड बजाने की शाहरुख चाहे कैसी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन इंडिया में मामला कुछ और है। सलमान के कैंप से अब तक दूर रहे अजय देवगन ने अब खुलकर सलमान खान को अपना दोस्त बताना शुरू कर दिया है। सलमान अपनी नेटवर्किंग साइट पर अजय की तारीफें करने में पीछे नहीं है, तो अजय ने भी जूम के दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सलमान की खूब तारीफ की है और इस दोस्ती में अजय ने संजू बाबा को भी खींच लिया है। Salman's had two major hits. We're all friends and we like to support each other. I would love to support him wherever I can. He supports me wherever he can. Sanju is a very close friend, so I'm very happy that if you look at Sanju right now, he's back in form, he's lost weight, he's built up a physique. So he's looking fabulous, I mean, so we're all there for him. अजय देवगन की वाइफ काजोल शाहरुख के साथ खास बॉन्डिंग शेयर करती हैं, लेकिन अजय की दोस्ती शाहरुख से कुछ खास नहीं है, लेकिन सलमान से दोस्ती को वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सलमान की बॉडी के वो पुराने फैन हैं। Fact is, we are all friends and everybody's doing well. Salman's had two major hits. We all friends and we like to support each other. I would love to support him wherever I can. He supports me wherever he can. यानी अब सलमान कैंप की ताकत दिखाने का मौका आएगा तो अजय देवगन भी सलमान के सपोर्ट में खड़े नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो सलमान के कैंप में अपने दोस्त संजू बाबा को लेकर जाने की तैयारी में है। न्यूज आई थी कि ऋतिक कैट स्टारर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, एक हॉट किसिंग सीन हटा दिया जाएगा जो है काफी बोल्ड, लेकिन अब खबर आई है कि ऑडियंस थिएटर्स में देख पाएगी ऋतिक कैट्स का ये हॉट सीन। जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कैट और ऋतिक के बीच हुआ है 3 मिनट का एक हॉट स्मूचिंग सीन, बट रिसेंटली ये खबर आई थी कि इस सीन को थोड़ा टोन डाउन किया जाएगा बिकॉज इट वॉज टू हॉट टू हैंडल। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट ऑन दिस टॉपिक, फाइनली एक्सेल एंटरटेनमेंट जो है प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये सीन ना ही टोन डाउन होगा और ना ही डिलीट होगा। वेल, सोर्सेज ने ये भी रिवील किया है कि जब ऋतिक और कटरीना को इस हॉट सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऑब्जेक्शन इस इशू पर नहीं बनता है। और यही नहीं, सोर्सेज ने ये भी कहा है कि आजकल की जनरेशन आर टू इजी गोइंग विद सच बोल्ड सीन्स, तो इस बात पर कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। और फाइनली इस लंबी बहस के बाद कंक्लूजन ये आया है कि अब ये सीन नहीं होगा डिलीट। वेल, तो आफ्टर ऋतिक एश एंड ऋतिक बारबराज हॉट स्मूच सीन, अब हो जाइए तैयार कैट और ऋतिक के इस 3 मिनट हॉट स्मूचिंग सीन के लिए। बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, शाहिद कपूर पर चढ़ा डायरेक्शन का बुखार। अब शाहिद एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन करते नजर आएंगे, बिकॉज रूमर इज दैट शाहिद आजकल कुणाल कोहली की फिल्म में प्रियंका की जगह डायरेक्शन पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं।
शाहिद कपूर एक अच्छे एक्टर और डांसर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, बट अब शाहिद वॉन्ट्स टू ट्राई अ हैंड ऑन डायरेक्शन। जी हाँ, वेल ये न्यूज तो पहले आई है कि शाहिद हैड अ क्रिएटिव डिफरेंस अपने डैड के साथ मौसम फिल्म को लेकर, और लगता है शाहिद ने अपनी इस क्रिएटिविटी को लेकर बढ़ा लिया है एक और कदम। जी हाँ, खबर ये आई है कि शाहिद अब डायरेक्शन में अपना हाथ चलाने वाले हैं और इस काम में वो पूरी तरह से लग भी गए हैं। अपनी नेक्स्ट फिल्म ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा, जो है डायरेक्टेड बाय कुणाल कोहली, उसे लेकर शाहिद हो गए हैं काफी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, और आजकल वो डायरेक्टिंग के साथ साथ फिल्म की स्क्रिप्ट्स को भी अपनी तरीके से कॉपी एडिट कर रहे हैं। वेल, इस बात से कुणाल कोहली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि कुणाल कोहली हार्डली टेक्स अ कॉल व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, और इसीलिए शाहिद इज द घोस्ट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। वेल, शाहिद के इस काम में प्रियंका भी दे रही हैं उनके साथ बाय सपोर्टिंग हिम, और उन्हें भी शाहिद की इन क्रिएटिव स्किल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी से मानो पूरे बॉलीवुड में मच गया है शोर, और उनकी प्रेगनेंसी से डायरेक्ट फायदा हुआ है प्रीति जिंटा को, क्योंकि अब वो देखेंगे अभिषेक के ऑपोजिट इन लेडीज एंड जेंटलमैन। बच्चन फैमिली में आ गई गुड न्यूज, प्रीति जिंटा के लिए भी गुड न्यूज लेकर आई है। खबर है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने प्रीति जिंटा को उनकी फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए अप्रोच किया है। इस फिल्म में प्रीति के ऑपोजिट अभिषेक बच्चन को साइन किया गया है। प्रीति जिंटा वाला रोल पहले ऐश्वर्या को करना था। प्रीति इससे पहले कभी अलविदा ना कहना में भी अभिषेक के ऑपोजिट काम कर चुकी हैं। खबरें कुछ इस तरह की भी आई थी कि राजकुमार संतोषी की ये कॉमेडी फिल्म शेल्फ हो गई है, लेकिन बाद में राजकुमार संतोषी को मौका मिल गया कि अभिषेक के लिए नई हीरोइन की तलाश कर सके। उम्मीद है इस खबर से प्रीति और अभिषेक दोनों ही खुश होंगे, क्योंकि प्रीति का बॉलीवुड में कमबैक हो जाएगा और अभिषेक की पेयरिंग ऐश्वर्या के अलावा किसी और एक्ट्रेस के साथ भी हो पाएगी। संजय लीला भंसाली आजकल फिल्में छोड़कर एक रियलिटी शो जज करते नजर आ रहे हैं, और अब संजय ही बताएंगे कि उनके इस शो से एसोसिएटेड होने की क्या है वजह। संजय लीला भंसाली के पास अपनी फिल्मों के बारे में बात करने के लिए भले ही वक्त ना हो, मगर जिस रियलिटी शो को वो जज कर रहे हैं उसके प्रमोशन के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। जी हाँ, अपने पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए भंसाली पहुंच गए पुलिस कॉलोनी में। वेल, भंसाली ने इनके साथ अपनी खुशी तो जाहिर की, साथ ही साथ इंडस्ट्री में आने वाली सबसे बड़ी खुशी के बारे में भी बात की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की माँ बनने की खुशी की, और इस खुशी से संजय भी खुश हैं, कि उनकी एक्ट्रेस कम फ्रेंड फाइनली बच्चन के घर ला रही हैं उनका वारिस। Oh, I really wish all the best to her. I'm so happy for her. I'm proud of her, the fact that she's going to have a baby, and I think I can understand the joy in the Bachchan family. So it's so special, and it's good news. Anybody who has going to have a child is good news in the world. So God bless her and God bless all of them. ऐश्वर्या, आपके बच्चे के लिए खुश तो सब हैं, मगर ये आने वाला मेहमान तो लगता है आपकी कई लोगों से दुश्मनियां भी मिटा देगा, फिर वो चाहे सलमान हो, शाहरुख हो या फिर संजय लीला भंसाली। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, अभिषेक के बोल्ड वचन में कौन दे रहा है उनका साथ। अभिषेक और जॉन की दोस्ताना जोड़ी को कोई कंपटीशन देने जा रहा है, क्योंकि रोहित शेट्टी ने रिवील किया है कि उनकी फिल्म बोल बच्चन में अभिषेक और अजय देवगन दिखेंगे एक साथ। बॉलीवुड में जॉन और अभी के दोस्ताने ने काफी मचाया धमाल, और इस दोस्ताने से इंस्पायर्ड दिखे काफी एक्टर्स, बीट रणबीर और इमरान और शाहरुख एंड सैफ। बट अब बारी है अजय और अभी की अपनी इस जोड़ी की कमाल दिखाने की रोहित शेट्टी की अपकमिंग बोल बच्चन में। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने जूम के बूम के सामने खुद कन्फेस किया है कि अभी अजय दिखेंगे उनकी नेक्स्ट प्रोडक्शन में। Yeah, why not? I think so, it'll be, because जिस तरह की केमिस्ट्री है दोनों की जो होगी इस फिल्म में, I know because we all know each other, we are friends. एंड डेफिनेटली जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन हुआ है दोनों का स्क्रिप्ट में, अभी आगे चल के ये जोड़ी बन जाएगी। Well, रोहित, आपने तो हमें बता दिया कि ये दोनों हैं द नेक्स्ट दोस्ताना पेयर, पर देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी ये अनोखी जोड़ी क्या जय वीरू जैसा कमाल दिखा पाएगी या नहीं। फॉर दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच।
लगता है करण जौहर मीडिया में आए इस रूमर से परेशान हो गए हैं कि उनकी नेक्स्ट फिल्म का नाम शॉर्ट टर्म शादी है। तभी तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन। करण जौहर रोज रोज मीडिया में आई अपनी खबरों से परेशान हो गए हैं और इसीलिए भड़क कर करण जौहर ने अपनी सफाई देने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मीडिया में कई वक्त से खबर गर्म थी कि इमरान खान और करीना कपूर की फिल्म का नाम शॉर्ट टर्म शादी है, लेकिन करण ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर साफ किया है कि शॉर्ट टर्म शादी इज नॉट द टाइटल ऑफ आवर इमरान करीना स्टारर अवेटिंग द कॉन्फर्मेशन ऑफ अ फन टाइटल फ्रॉम अ फेमस सॉन्ग कीप यू पोस्टेड। इतना ही नहीं, करण जौहर इस रूमर से भी परेशान हो गए हैं कि वो एक मलयालम फिल्म बना रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आई एम नॉट प्लानिंग द रीमेक ऑफ द अक्लेम्ड मलयालम फिल्म एक्चुअली इन लंदन टू अक्वायर द राइट्स ऑफ अ सुपर्ब फ्रेंच फिल्म। वेल, करण जौहर की इस फ्रस्ट्रेशन से इतना साफ हो गया है कि करण जौहर रूमर्स और अफवाहों से तंग आ चुके हैं और इसीलिए क्लैरिफिकेशन के लिए अब ले रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा। With that, it's a wrap, but don't forget to watch our show Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. And well, we will be back tomorrow with more Bollywood juice. Until then, goodbye and keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.